नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और एक बार फिर से सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां सुबह 10 बजे से ही संसद के बाहर प्रदर्शन करने के साथ ही धरने पर बैठ गई है, तो वहीं विपक्ष पार्टी भी महंगाई, डेयरी और खाद्य पदार्थों पर GST लगाए जाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए हंगामा कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने TMC सांसद ने प्रदर्शन करना जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ जो है प्रदर्शन करने के लिए उसी जगह पर संसद में पहुंच चुके हैं। संसद के दोनों सदस्यों में महंगाई और GST दर में बढ़ोतरी के विरोध में विपक्षी दलों का हंगामा एक बार फिर से जारी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के स्पीकर को तख्तियां दिखाते हुए बढ़ते हंगामों को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कहते हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और GST दर में बढ़ोतरी के विरोध में आज विपक्ष दल सभी एक साथ आ चुके हैं। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इसे नीचे लाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर भी विपक्ष ने अपना मुद्दा सामने खड़ा किया है। इसके साथ आपको बता दें कि चल रहे मानसून सत्र में PM मोदी ने संसद में अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ सरकार की रणनीति पर चर्चा की है और देखना मजेदार होगा कि इस चर्चा के बाद क्या कुछ नतीजा सामने देखने को मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसको देख के साफ होता है कि कैसे राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ, अपने तमाम साथियों के साथ बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर विपक्ष करने के लिए, हंगामा करने के लिए जो है संसद भवन पहुंच चुके हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारत सरकार द्वारा गठित MSP कमेटी पर चर्चा की मांग के लिए व्यापार निलंबन का नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, मुद्दा यहां खत्म नहीं होता है। DMK के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के मुद्दे को लेते हुए नियम 267 के तहत व्यावसायिक स्थगित प्रस्ताव नोटिस जो है जारी कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। इसके साथ ही देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आपको बने रहना होगा जनसत्ता.com के साथ।